नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज हमीरपुर। शासन और प्रशासन की डील का नतीजा, किसान की खनन माफियाओं ने की बेरहमी से पिटाई, हत्या कर ट्रेन की पटरियों पर फेंका। योगी राज में बुंदेलखंड का सोना कहे जाने वाला मोरंग खदान के चलते उड़ाई जा रही कोर्ट की धज्जियां। मामला जिला हमीरपुर के सुनूरपुर थाना क्षेत्र के पथौरा गाँव का है, जहाँ भारी मात्रा में मोरंग का अवैध खनन हो रहा है। आपको बताते चले कि ग्रामीणों का खनन के चलते जीना दुश्वार हो गया, जिसके चलते मृतक मलखान सिंह उर्फ लाला की बहस एक ट्रक चालक से हो गई थी। मृतक के भाई का कहना है कि ट्रक चालक फोन करके आए और खदान मालिक अशोक सचान और उनके गुर्गे मलखान को देर रात उठाकर ले गए, जिसकी लाश आज सुबह रेलवे ट्रैक के बरामद हुई, जिससे पूरे गाँव में हड़कंप मचा हुआ। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ अतीक खान की खास रिपोर्ट। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारा छोटा भाई जो है स्टैंड में जो है एक दुकान में बैठे थे, ट्रक वालों से किसी से विवाद हुआ तो ये भी पहुंच गए। पहुंचने के बाद जो किसी ट्रक वाले ने फोन कर दिया खदान माफियों को, जायसवाल सचान और अशोक सचान ये लोग, इसके आदमी ये भी साथ में, सब लोग आए। आने के बाद जो है हमारे भाई को मारा, मारने के बाद गाड़ी में लाद के ले गए। रात में इन्होंने कहाँ रखा कहाँ ना रखा, जब हम सुबह हमको पता चला तो रेलवे में भाई की लाश मिली रेलवे लाइन में। कौन लोग? राजेश सचान, अशोक सचान और उनके अन्य लोग। क्या करते हैं यहाँ पे ये लोग? ये खनन करते हैं, अवैध खनन। काहे का अवैध खनन? मोरम का, बालू का। क्या मामला है बेटा? मैं लाल सिंह का बेटा हूँ। बोल आराम से। शाम को कुछ ट्रक वाले से झगड़ा हुआ? नहीं नहीं, झगड़ा तो नहीं। और वो मार्शल में आए। कौन लोग आए? खनन वाले। फिर? और वो भाग ले गए रात में 10 बजे करीब, और शाम को यहाँ मार पीट कर लिटा दिया। किन लोगों ने? खनन के लोग। क्या मामला है बेटा? खदान वाले आए और हमारे पिताजी को उठा के ले गए, और सुबह हमें सूचना मिली, लाश पड़ी थी देखने गए थे। कहाँ पे लाश पड़ी थी? यहीं रेलवे लाइन पर। कल थाना सुमेरपुर अंतर्गत रेलवे ट्रैक पे एक डेड बॉडी मिली थी, उसके बाद में पहचान हुई है और उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अपनी जो भी आरोपी कार्रवाई न्यायानुसार की जा रही है, उसकी बात की जा रही है, उसमें जांच की जा रही है कि कोई आम एंगल तो नहीं है, एक्सीडेंट है या फिर कोई एंगल तो नहीं है, इसके बारे में पुलिस इसमें जाँच कर रही है और जो भी जाँच में सामने आए उसके बाद आप आगे। सर, परिजनों को कहना है कि जो खनन माफिया है उससे उनसे झगड़ा हुआ था, उस माफिया इस तरह की सूचना पुलिस के पास में पहले इस तरह कोई सूचना नहीं मिली थी, और बाकी जो भी आरोप लग रहे थे उन आरोप की जांच की जा रही है, जांच की जा रही है।